खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया कुमकुम। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता विनोद तावड़े, प्रकाश मेहता और राज पुरोहित एकनाथ खड़से का टिकट कट गया है। तावड़े की जगह बोरीवली सीट से सुनील राणे को टिकट दिया है बीजेपी ने। प्रकाश मेहता की जगह घाटकोपर ईस्ट से पराग शाह को। इसके अलावा आपको बता रहे, राज पुरोहित की जगह कोलाबा से राहुल नार्वेकर मैदान में होंगे, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। और खड़से की जगह मुक्ताई नगर से उनकी बेटी को टिकट मिला है। जितेंद्र दीक्षित से अपडेट लेते हैं। जितेंद्र, खड़से की जगह उनकी बेटी को मौका दिया गया है। इसके अलावा जिन चेहरों को रिपीट नहीं किया है, क्या रणनीति पार्टी की फिलहाल नजर आ रही है, क्या वजह है नए चेहरों पर दाव लगाने के पीछे? देखिए, ये चार बटना हुआ था और कुछ देर पहले तक जो है ये स्पष्ट नहीं हुआ था कि ये लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन आखिर में अब ये तय किया गया कि जाएगा और इन चारों ही लोगों के टिकट काट दिए गए हैं। ये चारों लोग बीजेपी के काफी पुराने और काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं मुंबई में। और की बात करें तो एक जी हाँ, बिल्कुल जितेंद्र, एक तरह से वही रणनीति निकल करके सामने आ रही है बीजेपी की, युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। और पहले से ही नेताओं के चुनाव लड़ने को लेकर संशय इसलिए भी था क्योंकि काफी वरिष्ठ हो चुके हैं और इसीलिए युवा चेहरों पर दांव लगाना चाहती है आगामी विधानसभा चुनाव में। शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।